एनआरसी को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन, कहा भाजपा सरकार कर रही है देश को बांटने का काम। कलेक्ट्रेट पर कुछ लोगों ने आज एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार देश को बांटने का काम कर रही है, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी लोग इन दोनों बिलों को बायकॉट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक थे अंग्रेज दूसरे है भाजपा, जिन्होंने इस भाईचारे में आग लगाई। इस देश की ताकत अगर कुछ है तो इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस पार्टी की खुद की स्थापना 1980 में हुई वह 1971 के पहले के सबूत आज मांग रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यह देश अशफाक और भगत सिंह का देश है, यह देश महात्मा गांधी का देश है। इस देश को हम धर्म के आधार पर बंटने नहीं देंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज द डाइवर्सिटी। मगर जिस तरीके से यह इसमें आग में घी डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो यह भारत जलाओ बीजेपी नहीं, यह भारत जलाओ पार्टी है। और इसके साथ में आरएसएस नहीं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ है जो इसमें आग में घी डालकर इस हिंदू और मुस्लिम में राजनीति कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यह भारत में रहने वाला हर एक निवासी भारतीय है, हम पूर्णतः इसके विरोध करते हैं। और जो भारत सरकार जो एनआरसी और लेकर आई है, मैं इस सरकार से पुनः कहना चाहूँगा कि इस देश में यह महात्मा गांधी का देश है, यह सावरकर का देश नहीं है। इस देश में हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई है। और ज्ञापन दिया किस आज हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और अंत में मैं समस्त युवाओं की तरफ से भी आह्वान करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज बेरोजगारी अपने चरमोत्कर्ष पर है, आज हर दो घंटे में तीन जो युवा है वो आत्महत्या कर रहा है, आज जीडीपी औदे मऊ गिर रही है, लेकिन सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह एनआरसी लाई है। और अंत में मैं इन युवाओं से कहना चाहूँगा कि धैर्य धरो, तार्किक बनो, ना बनो कठपुतली बीजेपी के आईटी सेल वालों की। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। एक बात है सो बातों की। राम अवतार दांदा।